ये क्या कर रहे हो तुम? किचन में ऐसे बर्तन क्यों फेंक रही हो? तुम्हें उस बर्तनों का तो शोर दिखाई दे गया, पर उस बुड्ढे का शोर नहीं सुनाई देता। वो पूरे दिन खांसता रहता है। तुम मेरे बाप को ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों ना बोलू, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो पूरा दिन उनके लिए लगी रहूंगी। हाँ तो फिर मैं अपनी नौकरी छोड़ देता हूँ और बाबूजी का ध्यान मैं ही रख लेता हूँ। हाँ नौकरी छोड़ दो, ऐसा करना एक कटोरा मेरे हाथ में दे दो, कोई दो रोटी डाल देगा मेरे लिए, पेट तो भर जाएगा। ठीक है, आज तुमने वैसे हद ही कर दी है। पापा जी आप ठीक तो हो? हाँ बेटा। पानी पी लो। बस बेटा। बाबूजी आप आराम कर लो। मुझे ना तुम्हारे बाप की तलाशी लेनी है। तुम मेरे पापा की तलाशी लोगी? हाँ, जो तुमने मुझे हार दिया था ना, वो चोरी कर लिया इन्होंने। बेटा इसे तलाशी लेने दो, इसको भी तसल्ली हो जाएगी। ले ले बहू तलाशी ले ले। ये कहाँ से आया? बाबूजी आपने अपनी बहू का हार चोरी किया, आपको शर्म नहीं आई? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी और आपने अपने घर में ही चोरी की। बेटा ये हार मैंने नहीं चुराया। बेटा नहीं नहीं, तुम्हारा भूत लेके आया है ना इसे, नहीं तो मैं रख गई हूँ इसे। अब तुम ही देखो इस चोर बाप का क्या करना है। बेटा ये हार मैंने नहीं चुराया। बेटा नहीं नहीं, तुमने क्यों चोरी करी है? चोरी तो मैंने करी है, मैं रख गई हूँ इसे, है ना? मैं तो कहती हूँ इस चोर को घर से बाहर निकालो। आज इसने हार चुराया, कल को पता नहीं क्या चुरा ले। बाबूजी अब मुझे माफ कर दो, अब आप हमारे घर नहीं रह सकते। बहू मेरा यकीन करो, मैंने चोरी नहीं की। बाबूजी कैसे यकीन कर ले, आपके पास ही पाया ये हार, किसी वृद्धाश्रम में छोड़िया ना इसे। हेलो मम्मी, जैसा तुमने बोला था ना वैसे ही कर दिया मैंने। हाँ और मेरे ससुर को ना चोरी के इल्जाम में फंसवा दिया, और हाँ सबसे बड़ी बात कि मेरे पति उसे निकालने के लिए गए बुड्ढे को। श्वेता तुमने ये सब साजिश की मेरे बाबूजी को घर से निकालने की? अरे तुम लड़ क्यों रहे हो? जो लड़ाई का कारण था वो तो गया, अब लड़ाई खत्म? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। शुरू मतलब? मतलब ये कि बाबूजी अभी कहीं नहीं गए हैं, बाबूजी घर के बाहर ही खड़े हैं। बाबूजी बुड्ढे, इतना कुछ होने के बाद भी तू घर से गया नहीं, बहुत बेशरम है, इतने तो मर जाना चाहिए। बेशरम मेरे बाबूजी नहीं, बेशरम तो तुम हो, तुमने मेरे बाबूजी के ऊपर चोरी का झूठा इंजाम लगाया। तुम्हें क्या लगा था मैंने बाबूजी को घर से निकाल दिया है? ये तो हम दोनों ने बस एक नाटक किया था, तुम्हारी सच्चाई मुझे 2 दिन पहले ही पता चल गई थी। 2 दिन पहले मतलब? मतलब जब तुम अपनी माँ से बात कर रही थी फोन पे। मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे रोहित के मन में ना अपने बाप के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए और वो खुद घर से बाहर धक्के मार के निकाल दे उस बुड्ढे को। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे। और हाँ, अब इस घर से बाबूजी नहीं, इस घर से तुम जाओगी। नहीं बेटा, बहू इस घर से कहीं नहीं जाएगी, जो गलती बहू ने की वो ही तू कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा घर खराब हो। ये देखो मेरे बाबूजी की सोच, इतना सब होने के बाद भी वो तुम्हें घर में रखने के लिए बोल रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा माफ कर दो इसे, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते,
जब बच्चे खुश रहते हैं ना तो माँ बाप की खुशी भी बच्चों की खुशी में होती है।